तो नाश्ते की तैयारी कुछ नहीं करनी, मुझे खास कुछ नहीं है, बस मैं ये जो है ना स्प्राउट्स, इसी का चीला बना रही हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रही है, कंटिन्यूअस बारिश हो रही है गाजियाबाद में। ये देखिए पूरी सड़कों में भी पानी भरा हुआ है और धूप बिल्कुल नहीं है, तो लग रहा है जैसे कि शाम हो रही है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अंकुरित दाल जो है ब्लेंडर में डाल ली है, इसी में मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल लूँगी और थोड़ा सा इसमें नमक और पानी डाल के इसको मैं करूँगी ब्लेंड। बस यहाँ तवे को मैं गरम कर लूँगी, इसके बाद इसको अच्छे से घी से मैंने ग्रीस कर दिया है, फिर जैसे डोसा फैलाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हमें इसको फैलाना है चीले को। जब ये अच्छा से पक जाए ना तभी इसमें करछी मारिए, पलटा मारिए पलटने के लिए, आधे कच्चे पे मारेंगे तो ना जो ये चिपक जाएगा, तो अच्छे से पूरा छुड़ा के फिर इसको जो है फ्लिप कर देंगे हम। और ये मैंने पनीर को हाथों से ही मैश किया है और इसमें थोड़ा सा मैंने चॉप्ड अनियन और चॉप्ड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ डाली है, और इसको डाल के इसको फोल्ड कर दिया है हमने ऐसे रोल करके, इसको दोनों तरफ से सेक लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनता है। इसको जो है ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं हम। ये आजकल मौसम ठंडा है ना तो स्प्राउट खाने का मन नहीं करता है, वैसे भी बदल बदल के खाने का मन करता है, तो ये आपका हाई प्रोटीन नाश्ता, लो कैलोरी नाश्ता आपका रेडी है। इसको हम खाएंगे तो काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है, प्रोटीन खाने का यही फ़ायदा है। अब दूसरा नाश्ता देखिए, दूसरा नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है अप्पम स्टैंड। अपम स्टैंड लेने के बाद देखिए इसको प्रॉपरली मैंने ग्रीस कर दिया है, और ग्रीस करने के बाद अब वही जो बैटर था ना वही बैटर मैंने लिया और उसको मैंने अपम स्टैंड में बस डालना है, मैंने इसको अच्छे से मैंने इसको लगा दिया है, और फिर इसके बाद ना मैं इसको लिड से कवर कर दूँगी और कुछ देर के लिए मैं इसको ना मीडियम फ्लेम पे पकने दूँगी ताकि ये अंदर तक सिके। और ये देखिए कुछ ये इस तरीके से फूल गया है, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये सिक गया है उस तरफ से, पिछली तरफ से। तो बस अब लिड खोल के करना क्या है, इसको हमें पलट देना है, बहुत ही इजी है। तो फॉर्क और स्पून, सॉरी फॉर्सेप्स और फॉर्क की हेल्प से मैंने इसको जो है पलट दिया है, और अब इस साइड भी हम सेक लेंगे। तो मुश्किल से और 5 मिनट में सिक गया है ये, और इसको मैंने निकाला है, देखिए ये कितना बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। और एक किस्म से समझ लीजिए मूंग की दाल के जो तले हुए बड़े होते हैं ना, तो उसका ये एक हेल्दी ऑप्शन है, हेल्दी ऑल्टरनेटिव है।